प्रतापगढ़ की दरियावद विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधायक रहे गौतम लाल मीणा क्षेत्र के लोकप्रिय नेताओं में शुमार किए जाते थे। विधायक मीणा इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायक नगराज मीणा को करीब 24,000 वोटों से हराकर विजयी हुए थे। विधायक मीणा की मौत के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। जन भागीदारी और हमेशा लोगों के बीच रहकर विधायक गौतम लाल मीणा ने अपनी अलग पहचान क्षेत्र में बनाई हुई थी। पिछले दिनों भी विधायक मीणा ने कोविड को लेकर विधायक मद से 34 लाख रुपए क्षेत्र में ऑक्सीजन और कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिए थे। विधायक गौतम लाल मीणा की असमय निधन पर भाजपा की ओर से भी संवेदनाएं जाहिर की गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर विधायक के निधन पर संवेदना जताई है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर संवेदनाएं जाहिर की हैं। गौतम लाल मीणा के निधन पर उन्होंने शोक जताया है, ट्वीट उन्होंने किया है। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से भी संवेदनाएं जाहिर की गई हैं। तो मुख्यमंत्री की तरफ से जो ट्वीट किया गया इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। गौतम लाल मीणा जो है एक रूट पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते थे, जमीनी नेता माने जाते थे, दो बार से लगातार विधायक थे और लोगों में उनकी अच्छी पैठ थी क्योंकि हर मुश्किल वक्त में वो अपने क्षेत्र के लोगों के बीच रहा करते थे। कोरोना काल की भी बात करें तो उन्होंने हर संभव मदद अपने क्षेत्र के लोगों की है और ये वजह कि उनके निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर संवेदना जाहिर की। तो बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का निधन आज सुबह हुआ। धरियावद विधानसभा से लगातार दूसरी बार वो विधायक रहे हैं। विधायक गौतम लाल मीणा ने अपनी अलग पहचान क्षेत्र में बनाई हुई थी और कोरोना से उनके निधन की खबर जैसे ही सामने आई पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई।